एक फोन आता था छोटा वाला, उसमें फेसबुक बना के हम हाँ उस पर फोटो वीडियो बना के डालते थे। तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े। अगर आपको खुद पे अगर भरोसा है तो भगवान एक ना एक दिन जरूर सफल बनाते हैं। कौना देवता के गढ़ल सवारल हौ, हमरे खातिर जमी पर उतारल हौ, तोहर अखियावा कैले दीवाना ए जाना बड़ू अनमोल। बहुत ही प्यारे इंसान है खेसारी भैया और पवन सिंह। अगर भोजपुरी मेरा रहता तो हम कब का भोजपुरी में घुस जाते, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ हैं कम समय में एक सफलता का मुकाम हासिल करने वाले अमरजीत चैटर्जी। भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चाहेंगे कि जब आप साथ हों तो इंटरव्यू की शुरुआत आपके गाने से हो। तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। बहुत बढ़िया गाते हैं आप, आप इतना प्यारा गाते हैं, क्या राज है इसका? राज कुछ नहीं है, बस रियाज है, तो राज यही है, रियाज फिर राज। कब से आपने गायकी के लेकर सोचा, कब से आप गाना शुरू किए? मैं भाई 2017 से। 17 से क्लास करते थे या फिर ऐसे ही? नहीं, मैं सीखता था, हम सीखते थे। हाँ, सोशल नेटवर्क पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपके काफ़ी वीडियो देखे पहले से आप ब्लॉग। जिस टाइम से मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया था उस टाइम, उससे पहले से मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था। फेसबुक का था, एक फ़ोन आता था छोटा वाला, उसमें फेसबुक बना के हम हाँ उस पर फोटो वीडियो बना के डालते थे। क्या आपको लगता था कभी कि मतलब मैं अपने मेहनत के दम पे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे? अगर आपको खुद पे अगर भरोसा है तो भगवान एक ना एक दिन ज़रूर सफल बनाते हैं, और मैं अभी सफल नहीं हूँ, मैं उनके बनाए हुए रास्ते पे भी चल ही रहा हूँ। तो अगर भगवान की दुआ और आप लोगों के साथ प्यार अगर रहा तो ज़रूर अच्छा होगा। एल्बम के आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फिल्म को लेकर क्या कुछ तैयारी है? हाँ, फतेह मूवी जो है हमारी सोनू सूद सर की जो मूवी है, उनके वजह से ही मुझे थोड़ा सा पहचान मिला है, तो फतेह मूवी की गाना भी आएगी तो वो मूवी में ही आएगी। बादा की और भी प्रोजेक्ट चल रही है, जैसे सोनू सर का सपोर्ट मिल रहा है आपको, हेमेश रेशमिया जी का, सब्बीर अहमद सर, विशाल डडलानी सर, मनोज मुंतशिर सर, आदित्य पायल देव सर, मतलब आदित्य देव पायल देव मैम, और भी बहुत सारे लोग हैं ना, मीत ब्रॉस, उनका भी। फिल्म में आपका पहला गाना कब आने वाला है? अभी मूवी शूट चल रही है सर की, सोनू सर की, होगी जल्दी ही रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मूवी आने में लेट होती है। आज प्रोग्राम में कैसा लगा प्रोग्राम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं क्या बताऊँ, मैं सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा क्राउड था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, बस ऐसे ही प्यार बना रहे। आप बिहार से हैं और आपने भोजपुरी गानों को लेकर के कुछ प्लान किया है कि नहीं? हाँ, अच्छे गाने मुझे मिलेंगे, लिरिक्स अच्छे रहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। जब आप शुरू में गा रहे थे तो आप हिंदी गानों को लेकर टारगेट लेकर चल रहे थे या भोजपुरी गाने को? हिंदी गाने को। अगर भोजपुरी मेरा रहता तो हम कब का भोजपुरी में घुस जाते, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और था। अगर आप बिहार से हैं तो भोजपुरी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मतलब, ये कोई शब्द ही नहीं है, भोजपुरी हमारी माँ है, हम भोजपुरी में ही जन्म लिए हैं, जैसे कि हमारा बिहार है तो उसमें भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी तो हमारी आन बान शान है, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। आपने भोजपुरी में एक गाना भी आया था आपका यूट्यूब पे पता नहीं, हाँ वो आया था, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक सिंगर को ना हर लैंग्वेज में गाना चाहिए, मराठी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तो वैसे ही हम बस वैसे उसको गा के ट्राई किए थे कि मेरा स्टूडियो में कैसा वॉइस आता है भोजपुरी में, तो बस ऐसे इसीलिए गाए थे। जब आप सिंगिंग शुरू किए थे तो किन को आदर्श मान करके शुरू किए थे? आदर्श मेरे सभी हैं, क्योंकि सब बराबर के मेहनत करते हैं, सभी मेरे आदर्श हैं। नहीं, लेकिन होता है ना कि हम उनसे सीखते हैं कि उनको फॉलो करते हैं। हम सबसे सीखते हैं जी, एक पर्टिकुलर इंसान को मैं नहीं बोल सकता कि हम उनसे सीखते हैं, क्योंकि मैं सबसे सीखता हूँ। अभिजीत, ये सोनू निगम सर हो गए, अरिजीत सर, किशोर दा, रफी जी, मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह, मैं सभी लोगों को सुनता हूँ।
अगर भोजपुरी में बात करें तो आप किन्हें पसंद करते हैं सिंगर? मैं सबको पसंद करता हूँ, जो भी भोजपुरी के सिंगर सबको पसंद करता हूँ, क्योंकि सब बराबर की मेहनत करते हैं, किन्हीं का चलता है किन्हीं का नहीं चलता है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि वो अच्छे हैं ये अच्छे, सब अच्छे। पवन जी का आपको कोई गाना याद है तो दो लाइन हो जाए। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। वाह, बहुत बढ़िया गाया आपने। भोजपुरी के एक और सुपरस्टार हैं जिन्हें ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, खेसारी लाल यादव जी का, क्या बात, उनका है? भी एक गाना सुना दीजिए। बहुत ही प्यारे इंसान है खेसारी भैया, और पवन सिंह जो है भैया वो भी बहुत प्यारे हैं। हाँ, उनका गाता हूँ। कौना देवता के गढ़ल सवारल हौ, हमरे खातिर जमी पर उतारल हौ, तोहर अखियावा कैले दीवाना, हे जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दोसर जनाना, हे जाना। आप तो बहुत अच्छा भोजपुरी भी गा लेते हैं, कब देखने को मिलेगा भोजपुरी सॉन्ग आपका? अगर आप हमको अच्छा गाना दे दीजिएगा लिरिक्स तो हम गा देंगे। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जो अच्छे गाने हमको दे देंगे भोजपुरी में हम गा देंगे। जैसे ये गाना था अभी, दोनों गाया, अगर ऐसा गाना मिला तो हम पक्का गा देंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंत हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहें? मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहें, और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा पूरी मेहनत से करूँगा, और बाद बाकी आप पे छोड़ूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अमरजीत जयकर जी, तो भैया को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं करते रहें, और बिहार का गौरव ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद।